वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये मेरी इच्छा पर चलना सीखें। तो आज का जो पहला संदेश प्रभु देना चाहता है वो ये है कि विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें। विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें। दूसरा संदेश प्रभु देना चाहता है कि आप और मैं उसके सानिध्य में रहना सीखें। और संत योहन लिखता है अध्याय 15 में कि जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं और जो मुझ में रहता है वो बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी के लिए, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, एक अनुयायी के लिए प्रभु से जुड़े रहना अनिवार्य है। एक मनुष्य के लिए इस धरती पर रहते हुए भी परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ, कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक तीसरी मुख्य बात है कि परमेश्वर को हम उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। मैं बार बार आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ, यू शुड सी द लॉर्ड एज बिग ही इज। उसे हम अपने विचारों के अनुसार नहीं, परंतु जैसा वो है, जैसा धर्मशास्त्र बताता है, हम उसे वैसा देखने की कोशिश करें। वो जितने बड़े काम कर सकता है हम उतने बड़े कामों को देखने की कोशिश करें। वो जो रहस्य और चमत्कार दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है, हम उसे उसी तरह से देखने की कोशिश करें। हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की हम कोशिश करें। परमेश्वर के हृदय में अपने आप को समर्पित करें, अन्यथा बाइबल कहती है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा गवा दे, अपना जीवन गवा दे, क्या लाभ है उसे। हम किसके लिए प्रयत्न करते हैं, हम क्यों प्रयत्न करते हैं, इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ। हम वचनों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति आज ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना नहीं चाहता, इसलिए नबी यशाया लिखता है कि मेरी वाणी कान लगा कर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानी से इसका पालन करो और ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतर कर भूमि को सींचे बिना और उसे उपजाऊ बनाए बिना, हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे कि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सकें, उसी तरह परमेश्वर कहता है मेरी वाणी भी है। जब वो बोली जाती है, जब सुनाई जाती है, तो अपना उद्देश्य पूरा करके वो वापस लौटती है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और वचन सुन रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन 1500 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति के मन को भी ये वचन छू लेता है और वो प्रायश्चित कर लेता है तो प्रभु का वचन सफल हो गया और अपना उद्देश्य उसका पूरा हो गया।
आप सुनने वालों में से कोई एक व्यक्ति भी अपने गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है तो परमेश्वर की वाणी प्यारे भाइयों और बहनों फल उत्पन्न करती है और अपना वचन पूरा करती है, अपना उद्देश्य पूरा करके लौटती है। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, प्रभु कहता है मेरी वाणी का एक मात्रा और बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि हे मानव, हे इंसान, तू सावधान रह, तू सावधान रह, तेरी हर निकम्मी बात का जवाब तुझसे लिया जाएगा, तेरे आचरण का लेखा तुझसे मांगा जाएगा, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, उसका पूरा हो जाना अनिवार्य है। अगर बाइबल में यह लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि तेरे कर्मों के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा तो यह सत्य है और ऐसा ही होगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हमारे सामने पढ़ा जाएगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को पढ़कर सुनाया जाएगा, ये परम सत्य है क्योंकि ये पवित्र बाइबल का वचन है, ये पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यीशु ने यदि कहा कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, तो ये भी परम सत्य है क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हमें पानी की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हवा की आवश्यकता है जीने के लिए, और प्रभु ये कहता है संजीवन जल का झरना मैं हूं, मैं जीवन देने वाली रोटी मैं हूं, रास्ता दिखाने वाला मार्ग मैं हूं, और जो उसके ऊपर चलता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। बोले आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। आज इंसान भटका हुआ है, इंसान अपने ही कामों में फंसा हुआ है, अपनी ही दीन दुनिया में मस्त है, दुनियादारी में, लेन देन में, रोज अपने ही कार्यों में मस्त रहता है। नूह के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। नूह को परमेश्वर ने पहले से आगाह किया था क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, और उससे कहा कि आज से 40 दिन के बाद लगातार 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होगी और जल प्रलय आएगा। और बहुत सारे लोगों को वहां पर प्रायश्चित के लिए वचन सुनाया गया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन ऐसा हुआ जब नूह पोत बना चुका था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का एक एक पक्षियों का और पशुओं का जोड़ा उसमें अंदर ले जा चुका था, तो दरवाजे बंद हो गए और ईश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर लगातार 40 दिन और 40 रात वर्षा की। अब प्यारे भाइयों और बहनों जल प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे और यही सब हो रहा था। गोमोरा, सोदोम और गोमोरा में भी ऐसा ही हुआ। पाप इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर चढ़कर बोलता था, हर तरीके के अश्लीलता, पशु गमन और अनेक प्रकार के लोभ, लालच, व्यभिचार और अश्लीलता उस जगह पर थी। परमेश्वर को यह देख के बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को इतना सुंदर बनाया था, स्वर्ग दूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया था, अपने प्रतिरूप बनाया था, ये व्यक्ति क्या ऐसे घृणित काम कर सकता है? एक सुंदर दाखलता उसने लगाई थी, ये कड़वी कैसे हो गई है, जंगली कैसे हो गई और ये कड़वे फल कैसे देने लगी है? इसलिए उसने कहा कि मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा। इब्राहिम ने कोशिश की उसको बचाने के लिए और उससे परमेश्वर से आग्रह किया कि अगर इस जगह में 10 लोग भी धर्मी पाए जाएंगे तो क्या फिर भी तू इसको नष्ट कर देगा? परमेश्वर ने चुनौती दी कि जा, अगर इस नगर में मुझे 10 लोग भी धर्मी मिलेंगे तो भी मैं इसका सर्वनाश नहीं करूंगा। और बाइबल कहती है कि उस जगह में 10 धर्मी भी नहीं मिले। प्यारे भाई और बहनों, पाप इतना ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोलता था क्योंकि लोग ईश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते थे, उस पर चलना नहीं चाहते थे, हर प्रकार की बुराई में फंसे हुए थे। और परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा के ऊपर गंदरस और आग बरसाई और वो तबाह हो गया, वो तबाह हो गया प्यारे भाई और बहन। लेकिन इसके विपरीत निनवे के शहर के लोगों को जब प्रायश्चित का संदेश सुनाया गया, उनसे भी यही कहा गया था कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा,
इसलिए प्रायश्चित करो और परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। अभी भी समय है, लौट कर चले आओ। ये दिन बुरे हैं, पता लगाओ कि कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं। उन्होंने स्वीकार किया, नबी योनस के द्वारा ये वाणी उन्हें सुनाई गई और उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर ध्यान दिया। छोटे से लेकर बड़े तक, राजा से लेकर रंक तक, सब ने टाट ओढ़ कर राख के ढेर पर बैठकर प्रायश्चित किया, क्योंकि यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में स्पष्ट करता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। योर सालवेशन लाइज इन रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। योर सालवेशन लाइज इन रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। आपका उद्धार प्यारे भाइयों और बहनों प्रायश्चित में है, आपका उद्धार क्षमा करने में है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तू क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा, यदि तू क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा, तू यदि दोष नहीं लगाएगा तो तुझ पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, तू अगर देगा तो तुझे भी दिया जाएगा, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तेरी झोली में डाल दी जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में क्या कर दो, पट्टा बांध के पहन लो। जैसे कोई व्यक्ति चेन में लॉकेट डाल के पहनता है, उस तरीके से ईमानदारी और वफादारी, विनम्रता और पवित्रता, ये अपने से दूर ना करो, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। नो वन कैन सी द लॉर्ड विदाउट होलीनेस एंड रिपेंटेंस। पवित्रता और विनम्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन आपके उद्धार के लिए है, आज का वचन आपके घर के लिए है, क्योंकि यीशु कोई साधारण शिक्षक नहीं है, यीशु कोई साधारण गुरु नहीं है, यीशु कोई पैगंबर नहीं है, यीशु कोई संत महात्मा नहीं है जो हम उसकी बातों को सुने और वाहवाही करें। वो मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, जिसके विषय में इतिहास गवाह है, जिसके विषय में लिखा गया है, बाइबल बताती है कि उसने चमत्कार दिखाए, उसकी कब्र आज भी खाली है, वो कुंवारी मरियम से जन्म लिया, उसने काठ के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए, उसकी बगल में भाला मारा गया और उसने अपने प्राण त्यागे, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने प्रायश्चित किया, क्योंकि यहूदियों की प्रथा में ये धारणा थी कि पशुओं का रक्त की बलि अर्पित करने से पाप हरे जाते हैं। ये पुरानी व्यवस्था में धारणा थी, लेकिन नई व्यवस्था में जब हम देखते हैं कि ईश्वर इमैनुअल बनकर यीशु के रूप में इस दुनिया में आया, तो उसी प्रथा को प्रभु ने सार्थक सिद्ध करते हुए उन प्राणों को न्यौछावर कर दिया, क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के प्राण ही प्यारे भाइयों और बहनों दूसरे को जीवन दे सकते हैं, किसी जीवित व्यक्ति के प्राण ही दूसरों को जीवन दे सकते हैं, किसी जीवित व्यक्ति का लहू ही दूसरों को जीवन दे सकता है। मरे हुए का नहीं, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि बकरों और सांडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है, बकरों और सांडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है। ये यहूदियों की धारणा थी, उनकी प्रथा थी, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। इसलिए वे लोग याजकों के पास जाकर इस तरीके के बलिदान दिया करते थे, और जब बलि चढ़ाई जाती थी प्यारे भाइयों और बहनों, तो याजक उस मेमने का रक्त लेकर लोगों पर छिड़कता था। अब वो रक्त यीशु मसीह का सारी दुनिया के ऊपर छिड़का गया है, केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, केवल मसीहों पर नहीं, लेकिन हर उस व्यक्ति पर जो उस पर ईमान लाएगा, सबके लिए उसका लहू जो है वो बहा दिया गया। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। ईश्वर ने उन्हें धरती के ऊपर आकाश के नीचे सारा अधिकार प्रदान किया है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, सारी सृष्टि उसके अधीन है, उसे जीवन मृत्यु और भाग्य पर, वर्तमान पर, भूतकाल पर, सृष्टि पर, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, सब कुछ पर अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया है। लेकिन फिर भी उसने
उसकी बराबरी नहीं की। उन्होंने हमें उदाहरण दिया है, यीशु ने हमें उदाहरण दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ किया करो, अपने मित्रों के साथ तुम ऐसा ही किया करो। इसलिए ईश्वर को जानिए, ईश्वर को पहचानिए, यीशु को जानिए। जो उसे जानने का प्रयास करते हैं, जिनके जीवन में वो एनकाउंटर करता है, उनका जीवन बदल जाता है। और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, और उनमें से एक साधु सुंदर सिंह की हम बात करते हैं जिनका कि जीवन बदल गया जब उन्होंने यीशु मसीह को जानना चाहा, देखना चाहा, उनके विषय में जानना चाहा, उस खोज को करना चाहा, उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते थे जो अन्यत्र उन्हें कहीं ना मिली। और यीशु ने उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान किया, अपना अनुभव उन्हें प्रदान किया, और उनका पूरा जीवन बदल गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जकेउस के विषय में जब उसने यीशु को मिलना चाहा, देखना चाहा, तो उसका जीवन बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि आपका और मेरा जीवन बदल जाए। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जान जाएं। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करे। यीशु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप पाप की गुलामी से आज़ाद रहें, शैतान का हमारे ऊपर कोई वश ना चले। और इसलिए बाइबल कहती है कि उसने मौत पर फतह पाया, उसने क्रूस पर अपने प्राण निछावर कर दिए। इसलिए संत पौलुस कहता है, कहाँ है तेरी ओ मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय, कहाँ है तेरा दंश? क्योंकि इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यु है। इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यु है, लेकिन यीशु ने मृत्यु पर फतह पाया। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु ने मृत्यु पर फतह पा लिया तो मृत्यु हार गई, क्योंकि शैतान क्या करता है, मौत देने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, फांसी लगवाने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपका सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है, वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है, वो आपके परिवार को बिखेरने की कोशिश करता है, आपके नौजवान बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन देता है, यीशु उद्धार देता है, वो चंगाई देता है, लोगों का जीवन बदलता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उनका जीवन आनंद में है, जितनों ने उसको ग्रहण किया है उनके जीवन में संतुष्टि है, जितनों ने उसमें विश्वास किया है उन्होंने चंगाई प्राप्त की है, जितनों ने उसके वचनों को सुना है उतनों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आत्मा में जीवन बिताते हैं, और जो आत्मा में जीवन बिताते हैं उन्हें किसी बात की कमी नहीं है। इसलिए हम ना केवल किताबी ज्ञान के द्वारा यीशु को समझने का प्रयास करें, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज में भी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यीशु को अनुभव करने की कोशिश करें, अपने हर छोटे बड़े काम में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अन्यत्र किसी जगह पर भी आप काम करते हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उस जगह पर हम प्रभु के जैसे काम करने का प्रयास करें, उसके जैसे हम बनने का प्रयास करें, यीशु की कृपा में बढ़ने का प्रयास करें। हर दिन अपने आप को कोशिश करें ये देखने के लिए कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए, हमारी कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए, तो इससे हमें पता लगेगा कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में ये फल दिखाई नहीं देता है तो वास्तव में हम अनुग्रह में बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, रोजमर्रा की जिंदगी में यीशु की बातों को अनुभव करने का, उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो सबसे पहली बात, प्रभु की वाणी पर ध्यान दें, प्रभु की वाणी पर ध्यान दें। जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं तो वो हमें जीवन में आत्मा से भरपूर करती है,
और हमें जीवन प्रदान करती है। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कहता मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हें क्या होगा, जीवन प्राप्त होगा। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखा है कि पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो और वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितना सुंदर मंत्र है। जीवन चाहते हैं, कहता है मेरी बातों को सुनो। स्वास्थ्य चाहते हैं, कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। देखो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हें क्या करती है, जीवन प्रदान करती है, तुम्हें उससे आत्मा और जीवन प्राप्त होगा। लेकिन आप अपने आसपास और अपने ही जीवन में झांक कर देखिए कि हम में से कितने लोग उसकी वाणी को सुनते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन प्रलोभन में भटकता है, हमारा मन अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस जाता है और हम आशीष से वंचित हो जाते हैं, हम कृपा में बढ़ नहीं पाते हैं, हमारी कृपा का लेवल, ग्रेस का लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है। हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, बाल पकते जाते हैं, लेकिन आशीष का स्तर नहीं बढ़ता है, हम जहाँ के तहाँ ही रहते हैं। बाइबल कहती है वयोवृद्ध वही है जो ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगाता, उसे अपने हृदय से संजोए रखता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति से दृढ़ता पूर्वक उसकी शिक्षा का पालन करता है, वही वयोवृद्ध है, वही उद्धार प्राप्त करेगा। आज लोग ईश्वर की आशीष से वंचित हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज जो थे अच्छी भूमि पर गिरे और कुछ रास्ते के किनारे कंकड़ वाली भूमि पर गिरे और कुछ झाड़ियों में गिरे, जो इधर उधर रास्ते के किनारे जल्दी से उग आए, सूरज का ताप लगने से जल्दी मुरझा गए क्योंकि उनमें जड़ गहरी नहीं थी। कुछ जो कांटों में गिरे, झाड़ियां बड़ी हो गईं और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बड़े होने लगे ऊपर से दबा दिया। लेकिन कुछ जो अच्छी भूमि पर गिरे थे वो उगे, पौधा बना और उनमें से कोई 60 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा हृदय ये वो भूमि है जिस पर यह बीज बोया जाता है। पथरीली भूमि ये वो भूमि है, कठोरता की भूमि, कठोरता की भूमि, जो वचन सुनते तो हैं लेकिन कठोर हृदय के हैं, इसलिए उस पर चलने का प्रयास नहीं करते, उसे ठुकरा देते हैं। झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां इस संसार के प्रलोभन है, माया जाल है, जो इस वचन को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन किसान ने जो बीज बोया था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो तो अच्छा ही बीज बोया था। किसान जब बीज बोता है तो वो निश्चित करता है कि उसका एक एक दाना अच्छा हो, लेकिन बीज में, हर दाने में अपनी क्षमता है। आप इतने लोग वचन सुन रहे हैं, आपका हृदय अलग अलग क्षमता वाला हृदय है और अलग अलग तरीके से ये क्या करता है, फल उत्पन्न करता है, कोई 60 गुना तो कोई 70 गुना, कोई 100 गुना।
सब में अलग अलग फल देने का प्रयास करता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना अधिक फल लाता है। प्यारे भाई और बहनों, जो जितना ज्यादा परमेश्वर के नजदीक रहता है, जितनी ज्यादा अच्छी भूमि में रहता है, जितनी ज्यादा गहराई में रहता है, जितना ज्यादा विश्वास में रहता है, वो उतना ही ज्यादा फल उत्पन्न करता है। लेकिन जो माया जाल में फंस जाता है, जो पथरीली भूमि पर यानी कि कठोरता का जीवन व्यतीत करता है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ लिखता अध्याय 2 पद संख्या 3 में, ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। कुछ लोग सोचते हैं अभी कल्याण हो जाए, अभी मिल जाए। प्रवक्ता कहता है तुम ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं भी उन्हीं लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी, जो मेरा वचन सुनते उन पर चलते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 उसका दूसरा भाग, कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है जो विनम्र हैं, जो पश्चातापी हैं, फल उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, आत्म त्याग करते हैं, जो उसकी सेवा में रहते हैं, विनम्रता का जीवन जीते हैं, जो अनुयायी बनते हैं। यह परमेश्वर ने अपना वचन, यीशु ने रोज सुबह से लेकर शाम तक वचन सुनाते थे, ऐसे ही बोलते थे, यही शिक्षा देते थे। धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है वे लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, धन्य है वे लोग जो अपनी रोटी भूखों के साथ बांटते हैं। धन्य ये आज की दुनिया में अपने आप के ऊपर अप्लाई करें प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मेल मिलाप कराने का प्रयास करें, ईश्वर को खोजने का प्रयास करें, तो आप परमेश्वर की नजरों में धन्य माने जाएंगे। क्योंकि उसने कहा, यीशु ने कहा, बाइबल में बताती है कि अगर तुमने छोटे से छोटा काम किस मेरे भाई किसी भी एक व्यक्ति के लिए, जो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए किया, तो तुमने मेरे लिए किया। एक गिलास ठंडा पानी अगर तुमने मेरे नाम पर इन छोटे व्यक्तियों में से किसी एक को पिला दिया, तो ये काम तुमने मेरे लिए किया है। तो प्रियजनों, हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं है, याद रखना। हमारी आवश्यकता क्या है? उद्धार है। हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं, हमारी आवश्यकता उद्धार है। हमारी आवश्यकता हमारे बिजनेस की उन्नति नहीं, हमारा उद्धार है। कई लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा गल्ला बढ़ता जाए, उस पर आशीष आती जाए, उस पर इतना पैसा आता जाए। अरे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का गणित थोड़ा अलग है। प्रभु का गणित जानते हैं कैसा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6, प्रभु का वचन ये कहता है कि तू सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज कर, और तब तुम्हें ये मिलेगा। ये परमेश्वर का गणित है। हम उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं, हमारी आवश्यकता पैसे की बढ़ोतरी नहीं, हमारी आवश्यकता सांसारिक चीजों की उन्नति नहीं, परंतु हमारी आवश्यकता जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना। जब हम इसमें बढ़ते हैं तो बाकी की चीजें यूं ही आती जाएंगी। क्योंकि अगर मन चंगा है तो कहते हैं कठौती में गंगा है, अगर मन शांत है तो हड्डियां भी स्वस्थ रहेंगी, अगर मन शांत नहीं है तो हड्डियां स्वस्थ नहीं रहेंगी। और मन शांत नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, कौन से कार्य को करना है। आप विचलित रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत विचलित हैं। कल आपने क्या करना है, किसका उधार लाना है, किसका देना है, किसके इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं, कल कहां से पैसा जुटाना है, कल कैसे आएगा, क्या होगा। यीशु ने कहा कल की चिंता कल को करने दो, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, तुम वर्तमान की चिंता करो। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहता है इन चिड़ियों को देखो, क्या दो पैसे में गौरैया नहीं मिलती, क्या परमेश्वर जिसने इन्हें बनाया खिलाता नहीं है। वो ऐसे भंडारों से खाती हैं जिसमें वो ना तो काटती हैं, ना मेहनत करती हैं, और ना ही उसके लिए कोई श्रम करती हैं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी आसमान से नीचे नहीं गिरती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर भरपेट खिलाता है।
आप में से कितने लोग हैं, आपकी दुकानदारी जो है बहुत अच्छी चलती है, परंतु आपकी सोच जो है वो तो ये है कि मुझे बहुत मिल जाए। जिस दिन बहुत मिल जाएगा उस दिन आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, इसलिए वो आपको उतना ही देता है जितना कि आपके लिए जरूरी है। इसलिए एक सुंदर उदाहरण मैंने आपको दिया था, जब जकेउस के विषय में पढ़ते हैं तो जकेउस को याद आया कि उसके लिए कितना पर्याप्त है। उसने कहा मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचूंगा और गरीबों में बांटूंगा क्योंकि उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, वो व्यर्थ में मैंने अपने घर में रखा हुआ है, उसके बाद जिसका मैंने लिया है उसको 4 गुना वापस करूंगा। तो अगर उसने, उसके पास 100 रुपये थे तो उसने 50 रुपये क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिए, उसके बाद उसने 4 गुना लोगों को लौटाया, मतलब 40 रुपये और क्या कर दिए, लोगों को 4 गुना लौटा दिए। अब कितने बचे उसके पास, 10 रुपये, जो उसके लिए पर्याप्त थे, जो उसके सुकून के लिए पर्याप्त थे, जो उसकी शांति के लिए पर्याप्त थे, जिसमें उसे चैन आया, अब वो शांति की नींद सो सकता था, अब उसे रोज पैसे गिनने की आवश्यकता नहीं थी, किसका कितना मूल, कितना कितना ब्याज, किससे कितना लेना है, कितना क्या करना है, रोज रात को उसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि प्लान नहीं करना चाहिए, आप योजना बनाएं, बाइबल कहती है सफलता परमेश्वर पर निर्भर है, योजना बनाइए लेकिन प्रभु के अनुग्रह में रहकर बनाइए। आप प्लानिंग कीजिए, परमेश्वर से पूछ के कीजिए। आप अपनी योजनाओं को सार्थक सिद्ध करना चाहते हैं बशर्ते कि परमेश्वर आपके साथ है, और वो वादा करता है अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं भी तेरे साथ रहूंगा, अगर तू मुझ में रहेगा तो मैं तुझ में रहूंगा, देख मैं तेरे घर के सामने तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए वचन सुनते रहिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। हमारा जीवन जो है ये एक तपस्या है, हमारा जीवन ये तपस्या है, अनुग्रह कमाना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए तपस्या करनी है, हर दिन अपने आप को ट्रेन करना है। एवरी डे वी नीड टू ट्रेन आवर सेल्फ टू रिसीव द अनॉइंटिंग। दूसरी बात, नित्य प्रतिदिन धन्यवाद और प्रायश्चित के निवेदन प्रभु को आप लोग समर्पित करते रहें। और चौथी बात मैंने आपसे कही कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ें और उसको अनुभव करें, और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा पर आप लोग चलने का पूरा पूरा प्रयास करें। पांचवी बात, प्रभु के सानिध्य में रहने की कोशिश करें। छठवीं बात, परमेश्वर को ऐसा देखें जैसा वो है। और सातवीं बात, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आठवीं बात, ईमानदारी और वफादारी को आप अपने गले में पहन लें। दसवीं बात, नौवीं बात, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का घर बनाते जाइए, जैसा वो चाहता है वैसा करते जाइए और आपका घर भी बनता जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं आपकी योजना को भी वो पूरा करता जाएगा। आमीन।